तो भाई आ गए अभी गाड़ी में और अभी चल रहे हैं भाई किमसार की तरफ, जो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है तो दो तीन व्यू पॉइंट, बट एक बड़ा सेक्सी है भाई, वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड सा है, बड़ा मज़ेदार है वो दिखाता हूँ आपको। और अभी जंगल से निकल के फिर मैं लगाता हूँ कैमरा नीचे और भाई फिर देखना आप जो मस्त व्यू आएगा ना अभी। तो गाइस मैंने माउंट कर दिया है और ये यहाँ पे पानी का लेवल ना कम है, इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क ले पा रहा हूँ फ़ोन नीचे लगाने का, बट फिर भी बहुत ध्यान से निकालनी पड़ेगी। और भाई देखो अब ये इस एंगल से जंगल देखो अभी आप, तो अभी ये सबसे सबसे मतलब जो ऑफ रोड रास्ता ना वो यही है। कुछ कुछ बज रहा है भाई गाड़ी में सामान। ओ वाह देखो भाई जंगल के नज़ारे। जहाँ वाइल्ड बोर दिखे थे ना हमें वहाँ रुके हैं, इधर टाइगर ग्रास है पूरी और पूरा डेंस फॉरेस्ट है इधर। और मैं उठ के दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा सा रिस्क ले ही लेता हूँ यार, मतलब डर तो लग रहा है भाई, पर ठीक है कोई बात नहीं, माउंटेन ड्यू पी है, डर के आगे जीत है। और भाई वाइल्ड बोर ना, अरे भाई फोकस करना, हाँ कर लिया, वाइल्ड बोर इधर कहीं घुस गए भाई अंदर, दो थे काफ़ी बड़े, एडल्ट थे काफ़ी बड़े, अभी मेल फीमेल का तो नहीं पता, बाकी देखो भाई नज़ारा कुछ ऐसा है। मैं यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ, देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। और क्या बात है यार, या दादा गाड़ी, अरे एक मिनट इसमें कौन है यार, वो तो नहीं है मैं, और यार तो वाह रुखा लग गया मैंने उत्तरी के, एक मिनट रुक रहे उतने उसकी के यूट्यूबर की, हाँ HR29 से वाह है जितने वाला लग गया। मैं रोज ना देखा मैंने कितने में HR29 से 52 पैसे, ये का डर है तो नहीं सोच के, ये का डर है मैंने लग गया था, ओए यार पर फिर आना वो भाई वीडियो बना लग गया था ये, ठीक है। हाँ अब तो गाइस अभी सीन ये है कि भाई साहब ये नंबर देख के गुरखा का मैं पहचान गया भाई, ये DVC एक्सपेडिशन वाले भाई हैं भाई। ओ भाई साहब क्या मैं पूछ क्या इनसे भाई यार, शर्म सी आ रही है मेरे को पूछना के है भाई, ले लेने पूछे ना, अरे रुक जाने रुक के बाद से देखेंगे। तो भाई ये तो पूरा पर ले रहे हैं यार, एक सेकंड मैं अभी देख लूंगा, ड्राइव वही कर रहे हैं और कोई है यार, मेरे को वो नहीं लग रहा यार, बंदा और कोई है, बंदा लेकिन और कोई है यार, गाड़ी उन्हीं की है इसी की है यार, अभी क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो गाइस अभी सीन ये था, जिस गाड़ी के पीछे लग रहा था ना, गाड़ी नंबर मैंने मैच किया, गाड़ी तो वही थी, बट ये कह रहे हैं कि उन्होंने सेल कर दी, इन्होंने ले ली भाई वो गाड़ी, DCV एक्सपीडिशन नाम है उनका। और जो ऐसी वीडियोस ट्रैवल वीडियोस देखते ना भाई, कोई सिंगल बंदा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। तो भाई देखता हूँ मैं इंस्टा पे मैसेज करता हूँ उनको कि आपने मतलब मैंने काफ़ी दिन हो गए मेरे को, मतलब लाइक मैं भी बिजी हूँ ना अपनी एडिटिंग और शूट में, तो मैं ज़्यादा वीडियोस देख नहीं पाया, बट अभी घर जाके ना मैं ज़रूर देखूँ उनकी वीडियो अगर उन्होंने डाली होगी तो, गुरखा सेल की है या नहीं। बट ये कह रहे हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे यार, सेल कर ही दी होगी, बट यार उनसे मिलने का चांस निकल गया, मैं कम से बहुत देर से उनके पीछे भाग रहा था यार,
और हेजिटेशन हो रही थी मेरे को पूछने में, क्योंकि फैमिली थी उनके साथ पीछे, लड़कियां या पता नहीं, हाँ लड़कियां थी वो बैठे थे, तो इसलिए मेरे को हेजिटेशन हो रही थी कि यार फैमिली के साथ कैसे पूछूं, कैसे मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना ऐसे। बट वो जब उतरे ना साइड में आए तो मैंने पूछा उनसे कि डीसीबी एक्सपीडिशन वाले भैया हैं क्या, वो बोले नहीं वो नहीं है। फिर आप गाड़ी लेके आए उनके, बोले नहीं हमने ले ली। तो यार मतलब ऐसा पोपट हुआ ना यार, ठीक है कोई बात नहीं। गाड़ी के तो दर्शन हुए ना भाई उनके, क्या मस्त बना रखी है वो आयुष सेक्सी, एक नंबर, बहुत बहुत गजब गुरखा है भाई उनकी, बहुत गजब कस्टम कर रखी है उन्होंने। तो गाइस अभी ना वहाँ पे देखो डीर हैं जस्ट बिल्कुल यहाँ पे, और भाई हम यहीं वेट करेंगे अभी थोड़ी देर, गाड़ी कर देता हूँ ऑफ में। और भाई क्या वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं भाई। अभी बारहसिंगा दिखे और अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या सीन रहेगा। और भाई ये तो नवीन ने देख लिए थे, बिल्कुल पेड़ों के पीछे थे भाई और हमारी तरफ देख रहे थे बहुत देर से। है ना भाई नज़ारे लाजवाब यार, मतलब कितना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हो जाता है ना ऐसे कुछ, जब कोई भी एनिमल साइटिंग होती है भाई जबरदस्त ऐसा मजा आता है एकदम। ओ भाई हाथी की पूप, एक सेकेंड बट ये ताजी तो नहीं लग रही, एक सेकंड में दिखाता हूँ भाई साइड से। देखो ये एनिमल पूप, एलिफेंट पूप है, मतलब हाथी है यहाँ पे। वो भाई साहब मेरे को ना डाउट हो रखा था हाथी है या नहीं है, नहीं है मतलब, बट अब हो गया भाई यकीन हाथी है यहाँ पे। ओ भाई साहब बट ये फ्रेश नहीं है भाई, कुछ टाइम पहले की है। क्या दिखा यहाँ पे, आई थिंक फ्रेश है क्या ये? कहाँ पे? ये रास्ता तो नहीं दिख रहा ना हाथी का कहीं से, ये देखो दोस्तों। तो भाई इधर भी पड़ी है, भी है। और वो तो फ्रेश लग रही है भाई, आई थिंक स्मेल आ रही है, देखो वो रही शायद यहाँ पे आई होंगी। और भाई जैसे जैसे दिख रही है ना हाथी की पोटी जैसे दिख रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कोई सिंगल है, मतलब हर्ड होता तो काफी सारी मिलती ना, और भाई सिंगल हाथी बहुत खतरनाक होता है। बाकी भाई अभी कुछ ऐसा खास रास्ता तो नहीं दिखा हाथी का मेरे को, बट देखते हैं क्या सीन रहेगा आगे, थोड़ा सा और पोर्शन रहता है अभी जंगल का।